मॉर्निंग, आई एम वाटिका सिन्हा। वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ ये वीडियो कुछ क्वेश्चंस के लिए, जो क्वेश्चन होने वाले हैं प्रोनाउन बेस्ड। एग्जाम में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते हैं जब क्वेश्चन प्रोनाउन रिलेटेड होते हैं या नाउन ओरिएंटेड होते हैं। प्रॉब्लम होने का रीजन ये है कि वो एग्जाम्पल्स या फिर ये कहें कि ऑप्शंस इस तरह से सेट किए जाते हैं कि सभी अप्रोप्रिएट लगते हैं, काफी सिमिलर लगते हैं। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे और ये कंफ्यूजन से दूर हो पाएंगे। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ रूल पढ़ते रहेंगे, तो इससे बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि हम लोग क्वेश्चंस पे काम नहीं करें, वर्क नहीं करें। और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि एग्जाम्स में बेटर मार्क्स स्कोर हो सके। आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के लिए, और मेरे प्रीवियस वीडियो जो रहे थे वो प्रोनाउन बेस्ड रहे थे। उसमें मैंने बात कही थी कि प्रोनाउन किस तरह से काम करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और मैंने बात कही थी पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन के कन्फ्यूज़न में होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो चीज़ एडजेक्टिव लगता है कभी कभी वो प्रोनाउन भी लगता है, तो ये चीज़ें काफ़ी दिक्कत कर सकती है। आज ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है उसी एडजेक्टिव और उसी प्रोनाउन को डिफ्रेंशिएट करते हुए। अगर अब तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि टाइमली कोई भी स्लॉट अगर वीडियो अपलोड हो तो आपको वो टाइमली मिल सके। और सीरीज में चलना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके कॉन्वीनियंस के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ग्रामर सेक्शन क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के लिटरेचर सेक्शन के लिए, उसके क्वेश्चन आंसर के लिए डेडिकेटेड वीडियोस अपलोडेड है, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। चलिए आज बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई प्रीफर योर हेल्प टू हर, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर्स। अब एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस बात को बताया था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और जो प्रोनाउन होता है उसमें थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। ये प्रोनाउन है, इसमें थोड़ा सा का भी डिफरेंस होता है। जैसे माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये पॉजिटिव है, POSS.POSITIVE के लिए है। अगर हम लोग वी की बात करते हैं तो वी का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो आवर होगा, और इसका आवर्स होगा। यू का योर होगा, इसका योर्स हो जाएगा, अगर योर्स होगा। अगर ही पे हम लोग चलते हैं तो ही का हीज ही होता है, इसका भी हीज होता है। हर होता है सी का, और इसका हर्स होता है। और इट होता है लेकिन इसका कुछ नहीं होता है। और ये देयर होता है और इसका देयर्स होता है, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग किए जाते हैं, तो कंफ्यूजन इसी में होता है कि अगर बोल देते हैं दिस इज माई पेन तो स्टूडेंट को लगता है माई एक तरह का प्रोनाउन है। नहीं, प्रोनाउन का मतलब हमेशा याद रखिए, प्रोनाउन वो होता है जो हमेशा नाउन के बदले यूज किया जाता है। रिपीटेशन ऑफ नाउन को डिक्रीज करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो एक बात याद रखिए, मान लीजिए हम लोग लिखे दिस इज माई पेन, तो माई के बाद हमको एक पेन की जरूरत पड़ी, मतलब एक नाउन की जरूरत पड़ी। जब एक नाउन की जरूरत पड़ गई तो माई यहाँ पे प्रोनाउन कैसे होगा? प्रोनाउन का मतलब कि जो रिपीटेशन ऑफ नाउन को डिक्रीज करे। अगर माई को हम प्रोनाउन कंसीडर कर लेते हैं तो वहां से हम लोगों को पेन को हटाना होगा। अगर वहां पेन भी रहेगा तो क्या फायदा प्रोनाउन लगाने का? प्रोनाउन का एक लौता मतलब समझ लीजिए, एक शॉर्ट में समझ लीजिए, जो नाउन के रिपीटेशन को डिक्रीज करता है, खत्म करता है। तो अगर माई पेन हम लिख दिए तो पेन जो है वो एक नाउन है, और माई अगर हम प्रोनाउन कंसीडर करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन अपने बाद कभी नाउन को लेगा नहीं, प्रोनाउन नाउन के बदले आता है। तो ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज माई पेन, यहाँ पे माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव को कंप्लीट होने के लिए हमेशा एक नाउन की जरूरत पड़ती है। दिस इज हर कार, दिस इज हर ड्रेस, तो हर क्या है? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है किसी से रिलेशन शो करना, उस पर मालिकाना हक जताना। अगर हम किसी पे एक टिपिकल वर्ड में बोलेंगे तो उससे उसका रिलेशन शो करना। तो अगर यहाँ पे माई हम लोग प्रोनाउन के रूप में कंसीडर कर लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा। माई को अगर एक नाउन की जरूरत पड़ती है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, एक सेंस देने के लिए, तो वो कभी भी प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस को क्रिएट कर सकता है। अगर हम इसके बदले दिस इज माई पेन के बदले लिखते हैं दिस पेन इज माई, तो आखिर ये विशेषता बता रहा है, ये बता रहा है कि वो पेन मेरी है, लेकिन किस तरह से? बिना रिपीटेशन के
या फिर नाउन के बदले आके, दिस पेन इज माइन, ये पेन के बदले माई आया है कि वो बताने के लिए कि वो कलम मेरी है, लेकिन माइन के बाद किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरे बताने का उद्देश्य यही था, मोटिव यही था कि नाउन के बदले जो यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होता है, कभी भी माई एक प्रोनाउन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर हम लोग ले लें दिस इज योर पेन, योर से अगर बना लीजिए वही बात है, दिस पेन इज योर्स। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर योर लिखते हैं, दिस इज योर बुक, तो योर यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर यहाँ पे बोल दे दिस बुक इज योर्स, अगर इस तरह से लिखे, दोनों का हिंदी मीनिंग करिएगा तो अलग होगा। दिस इज योर बुक, ये आपकी बुक है, दिस बुक इज योर्स, ये बुक आपकी है, हिंदी में अलग इसका सेंस जरूर निकलेगा, लेकिन योर यहाँ पे एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा और योर्स यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि उसको एक नाउन की जरूरत अपने बाद नहीं आई। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ये कुछ इस तरह से वर्क करके मैंने बताया है कि आप लोग अंतर कर सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर्स। यहाँ पे हर्स इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन इसके बाद नहीं आया है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन को नाउन की जरूरत अपने बाद नहीं पड़ती है। तो आई प्रीफर योर हेल्प टू, प्रीफर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यहाँ पर टू आता है, प्रीफर के साथ दैन नहीं आता है, टू आता है। इसके वीडियो आएंगे कि प्रीफर के साथ ये किसके साथ कौन से वर्ड अप्रोप्रिएट होते हैं, मेरे चैनल पर बने रहे, ऐसे भी कुछ वीडियोज अपलोड होंगे। योर हाउस इज बेटर देन माई, डिग्री की बात है, यहाँ पे बेटर बताया जा रहा है कि योर हाउस आपका घर अच्छा है मेरे घर से, तो माई यहाँ पे इनकम्प्लीट है, माई के बाद तो एक सब्जेक्ट चाहिए, मतलब एक नाउन चाहिए, प्रोनाउन कुछ भी चाहिए, और यहाँ पर है नहीं एडजेक्टिव के तौर पे, तो यहाँ पे दिस हाउस इज बेटर देन माइन लगाएंगे। तो ध्यान देंगे कि ये टू जो है या देन जो है यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, आगे आने वाले वीडियो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन पे भी होंगे, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ध्यान देंगे कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है। ये दोनों जो क्वेश्चन था इसमें ये फर्स्ट वाला गलत है, हर नहीं होगा या माई नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, और ये प्रोनाउन हो जाएगा हर्स और यहाँ माइन, और ये दोनों जो सेंटेंस काम कर रहा है ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ये सेंटेंस उतना एप्रोप्रिएट नहीं है, दो दो बार एक ही नाउन को यूज किया जा रहा है। हम इस तरीके से बोल सकते हैं हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, तो हर यहाँ पर जो हर्स जो है यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है और हर नहीं आएगा क्योंकि वो एडजेक्टिव हो जाएगा। हर्स इज अ ब्यूटीफुल नाउन हाउस। योर कार इज अ लग्जेरियस कार, योर्स इज अ लग्जेरियस कार। ध्यान देंगे, योर कार इज अ लग्जरियस कार, योर्स इज अ लग्जरियस कार, यहाँ पे योर्स का मतलब ही है आपका कार, यहाँ पे जो कार आया है इसी सेंस को यहाँ भी अप्रोप्रिएट होगा, मतलब कार का ही यहाँ पे बात बताया गया, और हाउस यहाँ पर, हर हाउस यहाँ पर हिडन है, तो ये दोनों जो है वो वर्ग के अनुसार काम कर रहा है, तो ये दोनों जो है वर्ग के अनुसार सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। फिफ्थ एग्जाम्पल, ही हैज फाउंड माई पेंस एज वेल एज हर्स, He has found my pens. उसने मेरे पेन को ढूंढा, my pens. यहाँ my जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पेन जो है वो नाउन का काम कर रहा है, पेन जो है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ध्यान देंगे, my जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पेन जो है वो प्लूरल नाउन का काम कर रहा है, और यहाँ जो हर्स है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, और इसका मतलब यहाँ हर्स का मतलब ये हर पेन्स, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो हर्स है वो हर पेंस के लिए काम कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पे हर्स को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं हर पेंस के बचने के लिए, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ नाउन बार बार हम करेंगे नहीं, तो डायरेक्टली हर्स लिख देंगे, जिसका मतलब हर पेंस हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल, वैल्यू योर टाइम एंड माइंड टू, मेरे समय की कीमत को समझिए और खुद की भी, तो यहाँ जो माइंड है इसका मतलब है माई टाइम, ठीक है। इस वैल्यू योर टाइम, और यहाँ पे योर के बदले यहाँ पे माइन आया है माई टाइम को बताने के लिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, हर्स टू मतलब हर टाइम उसके समय को, योर्स टू यहाँ पे तो योर हो गया था, यहाँ पे हो सकता था देयर्स टू, अपने साथ साथ उन लोगों के समय को भी समझिए, उनके कीमत को समझिए, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, जिसका एक सेंस अगर आप निकालना चाहें तो वही निकलेगा ऑब्वियसली माई टाइम, और यहाँ पे जो हर्स है इसका सेंस ऑब्वियसली निकलेगा हर पेंस, लेकिन रिपीटेशन से बचने के लिए इस तरह से प्रोनाउन का अलग अलग यूज किया जाता है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर केस टेबल मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है, आपने अब तक नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं इसमें नीचे मेंशन कर दूंगी, आप केस टेबल को देखिए और समझने की कोशिश करिए। आज का प्रोनाउन बस यही तक था, कोई भी एग्जाम हो आपके उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी यूजफुल थॉट्स के साथ। थैंक यू सो मच।